हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं कोरोना वायरस से संबंधित 3 मेजर अपडेट। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो मैं हूं देवासी शोर, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। व्हाट्सएप पर आने वाले कोरोना वायरस फेक न्यूज की ऐसे करें पहचान। कोरोना वायरस से जुड़ी गलत जानकारी से बचने के लिए व्हाट्सएप की पहल। फेक न्यूज की पहचान करेगा व्हाट्सएप का ये नया फीचर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का डर लोगों में बना हुआ है। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो COVID-19 से जुड़ी फेक खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तेजी से फैला रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए। यही वजह है कि इससे निपटने के लिए अब व्हाट्सएप ने कड़ा कदम उठाया है, जिससे कि फेक खबर फैलाने वालों पर लगाम लगाया जा सके। दरअसल व्हाट्सएप फेक न्यूज से यूजर्स को बचाने के लिए एक ऐसे फीचर्स को लेकर आ रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स आसानी से ये जान सकते हैं कि उनको भेजा गया मैसेज सही या गलत। व्हाट्सएप के इस नए फीचर का नाम सर्च मैसेज ऑन द वेब है। हालांकि ये फीचर अभी यूजर्स के लिए नहीं उतारा गया है, लेकिन आने वाले समय में ये फीचर सभी के लिए पेश कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फीचर को सबसे पहले व्हाट्सएप बेटा एंड्रॉइड 2.0.94 यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा, जिससे कि यूजर्स फेक मैसेज, वीडियो और फोटो की पहचान कर सके। गौरतलब है कि इन दिनों व्हाट्सएप पर कोरोना वायरस से जुड़े कई वीडियो, फोटो और मैसेज शेयर किए जा रहे हैं और कोरोना वायरस से जुड़े गलत आंकड़े भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में इस फीचर की मदद से गलत मैसेज की पहचान कर सकेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक डेडिकेटेड वेब पेज लाइव किया है, जो व्हाट्सएप कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर बनाया है। whatsapp.com/coronavirus को खास करके स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षकों, सामुदायिक नेताओं, गैर लाभकारी संस्थाओं, स्थानीय सरकारों और स्थानीय कारोबारों के लिए तैयार किया गया है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस से जुड़ी साधारण जानकारी और अच्छे आइडिया मिल सके। भारत में ऑनलाइन करें कोरोना वायरस टेस्ट की बुकिंग, घर से ले जाएंगे सैंपल। प्रैक्टो और थायरोकेयर की वेबसाइट पर जाकर सकते हैं COVID-19 टेस्ट की बुकिंग। घर आकर ले जाएंगे सैंपल, नहीं होना पड़ेगा परेशान। देश भर में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बंगलुरु की कंपनी प्रैक्टो ने डायग्नोस्टिक लैब चेन थायरोकेयर के साथ मिलकर COVID-19 टेस्ट की ऑनलाइन की बुकिंग सर्विस शुरू की है, ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े। अगर आपको भी लगता है कि आसपास या घर में किसी को कोरोना वायरस का टेस्ट कराना है, तो वो आज ही टेस्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। प्रैक्टो ने ब्लॉग के जरिए बताया कि इस टेस्ट के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, फिजिशियन द्वारा अटेस्टेड किया गया टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म और एक आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। इस टेस्ट के लिए मरीज को ₹4,500 का भुगतान करना पड़ेगा। कोविड इसके टेस्ट की बुकिंग के लिए प्रैक्टो या फिर थायरोकेयर की वेबसाइट पर जाना होगा। इतना ही नहीं, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी सैंपल आपके घर आकर खुद ले जाएगी। इसके अलावा आपको रिपोर्ट प्रैक्टो वेबसाइट पर 24 से 48 घंटे के अंदर मिल जाएगी। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1300 से ज्यादा हो गई है, तो वहीं इससे अभी तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 12 प्राइवेट लैब को कोविड का टेस्ट करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्राइवेट लैब की कुल संख्या 16 हो गई है। इसमें टेस्ट के लिए अधिकतर ₹4,500 तक लिए जा सकते हैं, जिसमें स्क्रीनिंग के ₹1,500 और कन्फर्मेशन टेस्ट के ₹3,000 हैं। कोरोना से जंग, आंध्र प्रदेश का बड़ा कदम, होम क्वारंटाइन लोगों का फोन करेगी ट्रैक। COVID-19 के खतरे के बीच आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, होम क्वारंटीन लोगों के फोन किए जाएंगे ट्रैक, ताकि नियमों के उल्लंघन को लेकर रखी जा सके नजर। कोरोना वायरस का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1100 से पार हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र और केरला में हालात और भी चिंताजनक हैं। यहां संक्रमित लोगों की संख्या 200 से 200 के पार पहुंच चुकी है। यही वजह है कि लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं। कोरोना वायरस के मामलों से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार भी जुटी हुई है। COVID-19 से लड़ने के लिए राज्य सरकार घर पर होम क्वारंटाइन किए लोगों का फोन ट्रैक करेगी। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर पुलिसकर्मी की अनूठी पहल देखकर आप भी कहेंगे वाह। लॉकडाउन के बीच बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश सरकार COVID-19 से लड़ने के लिए होम क्वारंटाइन किए लोगों का फोन ट्रैक करेगी, ताकि वह इससे सुनिश्चित कर सके कि वह लोग किसी भी नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार एक ऐसे टूल का इस्तेमाल कर रही है, जिससे इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और अन्य एजेंसियों से मदद ली जा रही है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों की ट्रैवल हिस्ट्री भी ट्रैक की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले जो टूल इस्तेमाल किया गया है, उसको कोविड अलर्टिंग ट्रैकिंग सिस्टम नाम दिया गया है, जिसे टेलीकॉम सर्विस और मोबाइल टॉवर सिग्नल्स की मदद से घर पर क्वारंटीन किए गए 25,000 लोगों को उनकी लोकेशन के जरिए ट्रैक किया जाएगा। यह है अलर्टिंग ट्रैकिंग सिस्टम। कोविड अलर्टिंग ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल लोगों पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है, जो होम क्वारंटाइन किए गए हैं। इसके लिए क्वारंटाइन लोगों के फोन नंबर्स की लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और मोबाइल टॉवर सिग्नल का सहारा लिया जाता है। जैसे ही नियमों का उल्लंघन होता है, अधिकारियों के पास अलर्ट पहुंच जाता है और वे तुरंत संबंधित व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर करो।
मैं मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।